जनपद पंचायत बागली के अंतर्गत 5 जनवरी को एक जनपद सदस्य एवं 5 पंचों के लिए मतदान होना है, जिसके लिए जनपद कार्यालय बागली से बुधवार को मतदान दलों को मतदान सामग्री के साथ रवाना किया गया। निर्वाचन अधिकारी अत्येंद्र बैरवा ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद पंचायत बागली के वार्ड क्रमांक 10 में जनपद सदस्य के लिए उपचुनाव होना है। वहीं ग्राम पंचायत के अलग अलग 5 वार्डों में पंच के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर बुधवार की सुबह 23 मतदान दलों को सामग्री के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया एवं 4 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही अन्य अधिकारियों की टीम बनाई गई है, जो कि मतदान के दौरान मतदान क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे। वहीं जनपद पंचायत बागली के वार्ड क्रमांक 10 में पहली बार ईवीएम मशीन से जनपद सदस्य के लिए मतदान होना है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। चुनाव के दौरान मतदान होना है और आज दल भी रवाना किए गए, तो कितने दल बनाए गए और क्या कितने मतदान केंद्र हैं? जनपद पंचायत बागली के अंतर्गत एक जनपद सदस्य व 5 पंचों के निर्वाचन होना है, उसके लिए कुल मिला के 23 मतदान दलों का गठन किया गया था, जो समस्त मतदान केंद्रों पर आवश्यक सामग्री लेकर यहाँ से रवाना हो चुका है। साथ में ही 4 सेक्टर ऑफिसर बनाए गए हैं, 3 जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, जो कि समस्त प्रकार की कानून व्यवस्था पर निगरानी रखेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर, मतदान केंद्रों पर किस प्रकार की व्यवस्था है? मतदान केंद्र पे जो आयोग के निर्देश है, उस अनुसार समस्त कार्रवाई पूर्ण में की जा चुकी है। मतदान दलों के लिए भी उचित रूप से रहने की, खाने की व पानी की, छांव की इत्यादि व्यवस्थाएँ की गई हैं। जनपद सदस्य का मशीन के माध्यम से मतदान होना इस बार क्या है? जनपद पंचायत का वार्ड क्रमांक 10 है, जो कि इस बार ईवीएम के माध्यम से मतदान किया जाना है। ईवीएम के संबंध में जो दल है, उन्हें पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया है और साथ में यदि किसी प्रकार की उसमें कमी आती है या टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो हमने वहां पर मास्टर ट्रेनर को भी डेप्यूट किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।